फ्रेंड्स, ऑलिम ट्रेड विड्रॉल देता है या नहीं देता, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। क्या एक्चुअली ऑलिम ट्रेड लोगों के विड्रॉल को रोकता है, और कौन से वो नियम है यानी रूल्स हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो विड्रॉल है वो कभी कभार लेट आता है ऑलिम ट्रेड की तरफ। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ हमारे यूजर्स के, व्यूअर्स के। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मिस्टेक्स, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ये जो इंटरफेस है, आप यहां पे आ गए, मैं एक बार को मान के चलता हूं, आपने रजिस्टर कर दिया गिवन लिंक से। उसके बाद आपको विड्रॉ करना होता है तो क्या करते हैं आप, पेमेंट्स पे जाते हैं, विड्रॉल का जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। इन स्क्रीनशॉट का एक्चुअली मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले वन बाय वन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंडिंग ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग है INR 700 का। डन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन हो चुका है, 2300 का ये ट्रांजेक्शन है क्योंकि UPI के थ्रू जो है प्रोसेस किया गया है। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये पेंडिंग क्यों होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ सर्वर एरर की वजह से या आप सैटरडे को या संडे को विड्रॉल प्रोसेस करने के लिए डाल देते हैं। इन दिस केस प्रोसेस होने में विड्रॉल थोड़ा टाइम लगा देता है। अब लोगों का यहाँ पे ना एक कंसर्न आता है बहुत बड़ा, आप लोगों की ही बात करूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज बोलते हैं कि सर हुआ क्या, मेरे तो अकाउंट से ये डिडक्ट हो गया, जो मेरा ऑलिम ट्रेड का अकाउंट है वहां से वो डिडक्ट हो गया। होने के बाद अब मेरे अकाउंट में यानी एक्चुअल मेरा जो बैंक अकाउंट है वहां पे मेरे पैसा नहीं क्रेडिट हुआ है। वो क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टेटस अगर पेंडिंग है तो आपके अकाउंट में डेफिनेटली वो थोड़े टाइम में आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग की जगह फेल्ड लिखा आ जाता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पैसे हैं वो गए, ये जो एग्जैक्टली पैसे हैं जितने का भी आपने विड्रॉल डाला है 700 रुपीज का, ये आपके वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ऑलिम ट्रेड के, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं विड्रॉल IMPS के थ्रू 15,000 रुपीज का, यहां पे देखेंगे 1,40,000 रुपए का सिंगल विड्रॉल यहां पे लिया गया है। और ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप डन यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे देख सकते हैं 2,00,000 रुपए का विड्रॉल यहां पे लिया है, 20,000 रुपए का यहां पे विड्रॉल लिया है। IMPS के थ्रू विड्रॉल सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत बड़े बड़े विड्रॉल सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं 1,000 रुपीज का विड्रॉल, 730 रुपीज का विड्रॉल, 5,000 रुपीज डिपॉजिट UPI से इन्होंने किया है, IMPS से विड्रॉ लिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इनको फेस नहीं करनी पड़ी है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं डिफरेंट मेथड से डिपॉजिट करें, डिफरेंट मेथड से विड्रॉ लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, यूजुअली ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सेम मेथड आप यूज करें, और मेरा जो फेवरेट मेथड है मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे, तो अगर आप ये मैसेज को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 445.75 सेंट्स का इन्होंने विड्रॉल प्रोसेस किया था, बट इनके अकाउंट में $10 कम आया। बाइनेंस ऐप के थ्रू इन्होंने किया था बट आ गया इनके अकाउंट में। देखो, बाइनेंस ना बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। बाइनेंस हो गया, बाइनेंस तो चलो अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं अवेलेबल है, बट अगर आप USDT में डिपॉजिट करते हैं, अगर आप बिटकॉइन में डिपॉजिट करते हैं, तो आपका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। कुछ मिनट्स में आपके अकाउंट में पैसे जो है वो आ जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या होता है, प्लेटफॉर्म की फीस होती है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं ना, उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। ये वो फीस है जो प्लेटफॉर्म आपके लिए चार्ज करता है, ऑलिम ट्रेड नहीं, बाइनांस। लेकिन इससे आपका विड्रॉल बहुत फास्ट और क्विक हो जाता है, या डिपॉजिट बहुत फास्ट और क्विक हो जाता है। जैसा कि आपने देखा, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे सुधीर जी का क्या कहना है यहाँ पे, कि यहाँ पे इन्होंने, इनके पास एक मेल आता है और क्या होता है कि इनका विड्रॉल जो है वो रुक जाता है इस मेल की वजह से। मतलब इनके पास मेल आता है, इन्होंने विड्रॉल डाला 1300 रुपीज का, इनके पास ऑलिम ट्रेड से मेल आया और उन्होंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सुधीर जी ने ये इन्फॉर्मेशन हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमने उनको बताया कि इन्फॉर्मेशन आप मेल कर दीजिए, उन्होंने मेल करी और इनका जो विड्रॉल है वो प्रोसेस हो गया। टिम
होता क्या है, कई बार लोगों के पास मेल आते हैं और आप मेल चेक नहीं करते। अब मैं आपको वो केसेस बताऊंगा, मैंने वीडियो के बीच में डिस्कस किया था, ऐसे केसेस जहां पे आपको विड्रॉल नहीं मिलते हैं। तो देखिए, कई बार आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करके नहीं रखते हैं। इन दिस केस जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो क्या होता है, ऑलिव ट्रेड की टीम आपको एक ईमेल भेजती है। उस ईमेल में वो मेंशन करती है कि ये पर्टिकुलर डिटेल्स हैं जो हमें आप मेल कीजिए और इसके बाद हम आपका जो विड्रॉल है वो प्रोसेस कर देंगे। तो आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करके रखें। अगर आप वेरीफाई करके रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर वेरीफाई नहीं कर रखा है तो विड्रॉल के टाइम पे आपसे ये डिटेल्स मांगी जाएंगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ये मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 बताई है, एक प्रॉब्लम बता दी आपको, दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं। तो सेकंड, लोग क्या करते हैं कि उन्होंने क्रिएट किया अकाउंट, फॉर एग्जांपल अमित पेटकर के नाम से उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, और जब उसको वेरिफिकेशन के लिए ऑल इंडिया ट्रेड से मेल आता है या फिर प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन की डिटेल उससे मांगी जाती है तो वो शुभम की डिटेल दे देता है। इन दिस केस क्या होता है, यानी कि उसने बोला कि भाई मेरे भाई की मैं डिटेल दे देता हूँ और मैं जो पैसा है वो मेरे भाई के अकाउंट में लेना चाहता हूँ, एज तो उस केस में ऑल इंडिया ट्रेड आपको विड्रॉल नहीं प्रोसेस करता है। आपका जो अकाउंट का नाम है, यानी कि ऑलिम ट्रेड का जो अकाउंट है, अगर वो आपने अमित के नाम से बनाया है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी आपका नाम अमित ही होना चाहिए। इन दिस केस आपका विड्रॉल प्रोसेस होता है अगर आप बैंक में लेते हैं। तो अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। जब आप ऑलिम ट्रेड पे अकाउंट बनाते हैं, बेसिक केवाईसी की जरूरत पड़ती है जहां पर आपका फोन नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस आपको डालना होता है। और फ्रेंड्स, यहां पे मेरा आप लोगों को एक सजेशन और रहेगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने $100 डिपॉजिट किए, ये आपने USDT से डिपॉजिट किए। अब आपने इसको बना लिया $100 को $500 और इसको आप किस में विड्रॉ ले रहे हो, आप IMPS में ले रहे हो, मतलब बैंक अकाउंट में। तो इसमें कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो विड्रॉल है $500 का आप डालोगे, सेम मेथड में नहीं लोगे तो आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा विड्रॉल। ये कई बार देखने को मिलता है। अगर कई बार क्या होगा, इसमें भी अगर आप सेम मेथड में भी लेंगे तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि कई बार क्या होता है विड्रॉल एंड डिपॉजिट के अलग अलग फिक्स होते हैं सेगमेंट की, यहां पे आपको $100 का ही मिलेगा। इन दिस केस आप क्या करेंगे, $100 के मल्टीपल में 5 विड्रॉल प्रोसेस कर देंगे, 100 100 100 100 100। तो इस केस में आप $500 विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपने एक बार 500 ना करके 100 100 करके 5 बार ले लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है या ये सवाल था इस वीडियो को देखने से पहले तक, क्या ऑलिम ट्रेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्या हम अपने पैसे डालेंगे तो वो विड्रॉ मिलेगा, डेफिनेटली ऑलिम ट्रेड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको आपके पैसे जितने भी आप कमाएंगे एग्जैक्टली उतने पैसे कमा के देगा। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।